सवाल थे। देखिए दोनों दोनों स्थितियों को अगर आप देखें, कल की राज्यसभा वाली और आगे विधानसभा, तो ये बात तो स्पष्ट है कि संख्या बल उनके साथ था। बात यह है कि कल का जो हुआ है दिल्ली के उस पे मामले पर, विपक्षी एकता एक बार फिर से उभर के सामने आई कि विपक्ष पूरी तरह से एक है। जो पूरे 102 वोट पड़े हैं, है ना, वो पूरी विपक्षी एकता में कहीं कोई दरार नहीं। एक तो कल की सबसे बड़ी उपलब्धि विपक्ष की यह है, ये तो पहले से पता था कुछ जीतेंगे। जिस दिन बीजू जनता दल और YSR चलेगा उस दिन तो तय था, लेकिन इसलिए उसको कोई सेमीफाइनल किसने काम लो तो कभी कहा ही नहीं। और जहां इसकी बात अविश्वास प्रस्ताव, यह भी पता है, सबको पता है कि लोकसभा में उनका बहुमत है। ये तो सिर्फ ये है कि भाई आप संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो ये अवसर मिल रहा है इसके जरिए आपकी मजबूरी का आप बोलने दोगे, ये सिर्फ उस मकसद से है, तो इसको सेमीफाइनल फाइनल मत बताइए। तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया नहीं, ये घमंडिया है, परिवारवाद इंडिया, बस यही सबसे, यही विपक्ष के लिए सब, यही विपक्ष के लिए सबसे खुशी की बात है कि दिन भर सरकार इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही बोल रही, दिन भर रात दिन सरकार का काम छोड़ दिया, इंडिया इंडिया गालियां देना दिन भर जो विपक्षी गठबंधन इसका